हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। एक जूनियर ने मुझसे कहा कि सर ऐसा है ना कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, हर दो दिन पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी पाँच पाँच दिन तक डिमोटिवेट रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्या करें। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक में है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ अपने जूनियर्स को, अपने भाई को कहता हूँ, हर किसी को कहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैं किया हूँ मैं उसको छुपा रहा हूँ, मैं बस एक चीज़ कह रहा हूँ ना कि ये बुक ले लो भाई, पढ़ो इसको। सिंपली मैंने कुछ दिन पहले भी ये लाइन सुना था, अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ में नहीं आती है। भागवत गीता तुम्हें एक बार में नहीं समझ में आएगी, तुम्हें कंटिन्यूअसली इसको पढ़ना पड़ेगा। कई बार पढ़ोगे ना तब जाके तुम्हें यह समझ में आने लगेगी। तो जब तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, जिंदगी में डिमोटिवेट हर कोई होता है, ऐसा नहीं है कि तुम होते हो, मैं भी होता हूँ, मैं भी डिमोटिवेट हूँ। कल की बात है, कल मैं डिमोटिवेट था, है ना। तो रिसेंटली मैंने फिर से इसको पढ़ा है। अभी देखो, इसका आठवां अध्याय में मैंने इसको अंडरलाइन करके भी रखा है, डिमोटिवेशन जब होते हैं तो उसके लिए ये है, तो आप समस्या का समाधान है। आठवें अध्याय में कहा गया है, अर्जुन डिमोटिवेट हो गए थे, उनसे युद्ध नहीं हो पा रहा था, तो बोल दिए कि हमसे अब नहीं होगा युद्ध। तब उस समय उनको कहा गया था, भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अर्जुन सुनो मेरी बात, तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, इस धरती पे आए हो तो तुम्हें युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तुम अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें एग्जाम का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, डीमोटिवेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। ऑप्शन रहेगा तभी तो टिक करते हो, और तुम क्या किए हो, अपने जिंदगी में एक ऑप्शन लगा के रख दिए हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चलो अब ऑप्शन है, डिमोटिवेट हो गए, यूट्यूब ओपन करेंगे, मोटिवेशनल वो सुनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे। और मोटिवेशनल स्पीकर्स तो आजकल ऐसे हैं ना भैया, बता नहीं सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, तू हर समय युद्ध करो, मतलब तुम जो चीज़ कर रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो, युद्ध करो, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ मुझे ध्यान करो। मतलब क्या है कि जिसको तुम अपना सुप्रीम गॉड मानते हो, जिसको तुम अपना भगवान मानते हो, उसको हमेशा ध्यान रखो, उससे तुम भागो मत, उसको इस चक्र में मत बसाओ कि भगवान है या नहीं है, क्यों मानूं नहीं मानूं, ये सब चीज़ों से ऊपर उठो। एक सुप्रीम गॉड है, तुम्हें नहीं पता है वो गॉड कौन है, कोई भी हो सकता है, आसमान की तरफ देख के उनको थैंक यू कहो, ये जहाँ पे भी हो आँख बंद करके उनको थैंक यू कहो कि भगवान आप जो भी है, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, बट थैंक यू मुझे ज़िंदगी देने के लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थैंक यू मुझे इनर्जी देने के लिए। तुम इनर्जी है तुम्हारे पास, तभी तो तुम जिंदा हो, इनर्जी निकाल लेंगे मर जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे, तो एटलीस्ट भगवान तुमको इनर्जी दिए हुए हैं, तो उस इनर्जी के लिए तो एटलीस्ट उसे थैंक यू बोलो, भगवान थैंक यू आपने मुझे इनर्जी देके धरती पे जिंदा रखा है, दैट्स इट। अब मुझे युद्ध करना है, अब मुझे प्रिपरेशन करनी है, जिस चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस तुम उसकी प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिकल रहो, जिंदगी में प्रैक्टिकल रहोगे, डिमोटिवेशन को भी रिजॉल्व कर लोगे। डिमोटिवेशन होगा, कोई नॉर्मल बात है, डिमोटिवेशन हर किसी का होता है यार, डिमोटिवेट हर कोई होते हैं यार, एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा हुआ डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन क्या उस डिमोटिवेशन को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि मोटिवेशनल थॉट्स सुने, मोटिवेशनल वीडियो देखे, क्या इतना ही तरीका है या और भी तरीका है? जो मैं मानता हूँ जो सबसे बेस्ट तरीका है, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर से सिर्फ तुम 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए तुम मोटिवेट हो जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाओगे। और आजकल तो मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, ठीक ना, एस्पेरेंट वेब सीरीज देखने के बाद बहुत लोग, समझ रहे हो ना, संदीप भैया से मोटिवेट हो गए, और सब लोग अपने आप को संदीप भैया के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा हूँ जो UPSC की तैयारी शुरू करते हैं एस्पेरेंट वेब सीरीज देखने के बाद, या फिर अगर उसे कहीं मोटिवेशनल वीडियो मिल जाता है तो उसमें ये चीज़ कहा जाता है कि झुग्गी में रह के बना IAS, बस बात खत्म, इतना तुमने सुन लिया और बस अब तुम चले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी में प्रैक्टिकल रहो। प्रैक्टिकल का मतलब क्या, तुम जो चाहते हो उसके पीछे दौड़ो, ठीक, और उसको पाने के लिए तुम मेहनत करो, और उस मेहनत में अगर डिमोटिवेट होते हो तो खुद से चिंतन करो, खुद से बात करो कि तुम डिमोटिवेट क्यों हुए हो, ये रीज़न है, कोई बात नहीं, अपने आप को शांत करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये चीज़ हुआ, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी कहा गया है कि समय को समय दो, समय सब कुछ सही कर देता है। जिंदगी में फ्लेक्सिबल रहो, इतना फ्लेक्सिबल रहो कि कोई तुमको तोड़ नहीं सकता है, कोई तुमको तोड़ेगा ही नहीं, क्या दिक्कत है, पैसा नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं, पैसा कल आ जाएगा, दिक्कत क्या है, अच्छा वो छोड़ के चला गया, अरे यार क्या हो गया, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, छोड़ के चला गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इंजॉय योर लाइफ, क्योंकि तुम इस लाइफ में परमानेंट हो, हर कुछ इस लाइफ में टेम्पररी है, हर कुछ टाइप में, मैं
मैं भी तुम्हारे लाइफ में टेम्पररी हूँ, तुम भी मेरे लाइफ में टेम्पररी हो, लेकिन परमानेंट सिर्फ एक चीज़ है, वो तुम हो। तो तुम किसी और पे डिपेंडेंट मत हो, किसी यूट्यूब के मोटिवेशनल वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहो। तुम अपने लिए मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो, बुक्स पढ़ो, जितना ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो उतना ज़्यादा बुक्स पढ़ो। एटलीस्ट टारगेट बनाओ कि एक महीने में एक बुक तो ज़रूर पढ़ना है, नहीं भी पढ़ना है खरीद के रख लेंगे। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, बहुत सारे फिलोसफर्स का बुक है उसको पढ़ो और मोटिवेट रहो खुद से। तो ज़िंदगी में डीमोटिवेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, मोटिवेट रहो, स्माइल करो और प्रिपरेशन करो, ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। हम भी जब उस फेज में रहते हैं तो हम भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या होगा, बट टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल जाती है, ये प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है। तो टाइम को टाइम दो और प्रिपरेशन जारी रखो। थैंक यू गाइज, बेस्ट विशेस टू एवरी वन।